तो जब ये सत्ता वर्सेस विपक्ष है वारिस पठान जी, तो ये सत्ता वर्सेस विपक्ष में ये विपक्ष बिखरावा क्यों नजर आता है? क्यों आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी या मायावती की पार्टी एका नहीं दिखा पाते हैं, जब आप लोगों का लक्ष्य ये है कि योगी को सत्ता से निकालना है? देखिए मीनाक्षी जी, अभी त्यागी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश योगी के राज में इतना सफल हो गया, तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि आपने शायद नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पढ़ा। नीति आयोग का रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, उसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है देश का तीसरा सबसे पुअरेस्ट स्टेट है। पहले झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो क्यों पुअरेस्ट स्टेट हो गया? क्राइम रेट के अंदर आप देख लो, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, 2020 और 21 का आंकड़ा दिखाता है कि 15 से ज्यादा लोगों की तो पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, 450 लोगों की जुडिशियल कस्टडी में हत्या कर दी गई। अब भी आपने कहा सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात की, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष योजना जो बनी उत्तर प्रदेश में, उसमें मुझे बताओ ना मुसलमानों को कितने घर दिए गए? मैं आपको बताता हूं आंकड़े, 2 घर भी नहीं दिए मुसलमानों को। आप चेक कर लो, डेटा पूरे पब्लिक के डोमेन के अंदर है। तो आप किस तरह से बात कर रहे हो? आप सुधांशु जी बोलते हैं कि हम आग लगा रहे हैं, अरे आग तो भाजपा वाले रोज उगल रहे हैं, रोज हर तरह से कोशिश करी जा रही है सांप्रदायिक तनाव तक फैलाने की, धर्म सांसद के नाम के ऊपर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। आज लोग सवाल कर रहे हैं मीनाक्षी जी कि पेट्रोल डीजल गैस जो बढ़ रहा है वो कब कम होगा? 70 लाख युवा को रोजगार देने की जो प्रधानमंत्री जी ने बात की थी उसका क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार तो नहीं मिला, बल्कि करोड़ों युवा बेरोजगार हो गया। मोदी और योगी की फेलियर की वजह से उसका जवाब कौन देगा? राजीव राय जी ने कहा सवाल का जवाब नहीं है, ये ध्यान भटकाने के लोगों के लिए सब कर रहे हैं, मगर यूपी की जनता समझदार है, इस बार योगी को ज्यादा ही है। समाजवादी भी कम नहीं है मैडम, समाजवादी के 2012 के घोषणा पत्र में क्या था? राजीव राय जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहा था अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों को हम एजुकेशन में और जॉब में रिजर्वेशन देंगे। क्या दिया था क्या? नहीं, आपने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया, सिर्फ दरी बिछाने के लिए उनको रखा आपने। आप आए ईद में खजूर खाई टोपी पहनाए चले गए, लेकिन अब हम टोपी नहीं पहनेंगे, हमारी बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है मैडम। ठीक है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप 10 सेकंड में संक्षेप में मेरे सवाल का जवाब दे सके। शिवम जी, मैं आ रही हूं आपके पास कि जब अभी थोड़ी देर पहले राजीव राय जी ने कहा कि भ्रष्टाचार है, घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं गए, पेट्रोल, रोजगार, महंगाई, ये तमाम मुद्दे तो आपके भी हैं, तो आप और राजीव राय जी अलग अलग ब्रैकेट्स में क्यों खड़े हुए हैं? एक ही ब्रैकेट में आ जाइए ना। देखिए, हमने तो कहा था कि आइए हम सब मिलके योगी मोदी को हराएंगे, मगर अगर इनको नहीं आना है तो हम तो लड़ेंगे ना चुनाव। मीनाक्षी जी, आपने देखा कि हमने बीच में अभी जब उत्तर प्रदेश के अंदर जनसभाएं की, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, और हम किसी को पैसा देकर या टोपी पहनने का पैसा नहीं देते, लोग अपने दिल से आते हैं। संभल में कड़ाके की सर्दी और बारिश में 3-3 घंटे लोग आके बैठे, हमको सुने, हमारे साथ समर्थन किया, और मुझे यकीन है कि ये लोगों का प्रेम, लोगों की दुआएं, लोगों का जो प्यार है, ये वोट में तब्दील होगा, और इस मरतबा उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी। एक विकल्प के तौर पर हम आए, एक विकल्प आप देना चाहते हैं, लेकिन विकल्प में आपकी पॉलिटिकल ताकत कितनी है, इसी पर तो असेसमेंट होता है। अब राजीव जी, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अखिलेश यादव कहते हैं कि 10 मार्च को इनकलाब होगा, यूपी में बदलाव होगा, उस बदलाव में अगर आप अपने वोटों को डिवाइड करके रख देंगे, आप देख रहे हैं मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में आपकी पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आ रही है, वो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन में दरार डालने का काम AIMIM कर देगी, ये सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके बावजूद आप दूरी बना के रखे हुए हैं, पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम साथ लड़ें। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ और अनुरोध करूंगा बात करने का मौका दीजिए। पहली बात एक आपसे अनुरोध है कि राजनीतिक आपका विशेष अधिकार है, आप अपने चैनल पर पैनल में किसको बैठाते हैं किसको नहीं बैठाते हैं, उसका हमें कुछ नहीं करना है। राजनीतिक विश्लेषक क्यों रखते हैं आप? भाजपा के दो प्रवक्ता है, विचारों को तोते की तरह रखवा के भेज दिया जाता है। आप मेरे चेहरे की लाली उड़ी हुई है, पहले दिन से जिस दिन से आपने रेट डलवाया आपको कुछ कुछ नहीं मिला, मैं हमला किए जा रहा हूँ तो अधिकारी इनके कहते हैं कि चूंकि आप हमला कर रहे हैं इसलिए हमें बोला जा रहा है कुछ बोलो। इनको ये नहीं पता है कि जो वहां पकड़ा गया कानपुर का जैन इनका आदमी है, मैं अभी भी चुनौती देता हूँ, कुछ है तो नहीं, भारतीय जनता में कुछ है नहीं, खाली आपके चैनल
मैं मीनाक्षी जोशी के सामने चुनौती देता हूं कि जो पकड़ा गया है पैसे वाले उसका सीबीआर और नार्को टेस्ट कराया जाए, अगर उसके पैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न मिल जाए तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। इनसे मैंने बोला एनसीआरबी के आंकड़े चाहते हैं, इनसे मैंने बोला कि नीति आयोग के आंकड़े चाहते हैं, ये फर्जी बातें आकर चैनल पर बोलने के लिए आप इनको प्रवक्ता बना दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को मैं जवाब भी देना नहीं चाहता और वो कोई ऐसे अशालीन भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता जो अगर मुद्दों पर नहीं बोल सके। गुंडों की सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट कहती है, तथ्यों पर बात करें ना, पहले लिखे लोगों को एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा गुंडे और अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक मंत्री है। ये थानों के रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाला हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना। वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, आंकड़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, बिखरे हुए विपक्ष की बात कर रहे हैं। आप मीनाक्षी जी, आपने जो अब आपके सवाल पे आता हूँ, आपने कहा कि वोट को डिवाइड कर देते हैं मुस्लिम यादव की बात, ये भारतीय जनता पार्टी की भावना है मीनाक्षी जी। उत्तर प्रदेश की जनता के सारे वर्ग, क्योंकि जो लाशें पड़ी थी नष्ट हो रही थी, उसमें हिंदू का भी था, मुसलमान का था, अगड़े का भी पिछड़े का था। जो नौजवानों को पेपर लिखो रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सबका है। जो लाठी खा रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सबका है। जो इको गार्डन में ड्राइवर बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए ना, हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े सबका है। तो इस जनता सरकार ने कोई ठगा नहीं, जिसको ठगा नहीं सबको इन्होंने दर्द दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक हो गई है, ना किसी को फूट डालने वाली बात नहीं। ये आप बता रहे हैं एक मुसलमान में फूट डाल रहा है, योगी जी बता रहे हैं कि 20% और 80% ये फूट डालने वाले जो दोनों भाई है ना, इनको जनता ने समझ लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने दिए पाए हुए दर्द का हिसाब लेगी, चुन चुन का बदला लेगी। इसीलिए इनके सांसद बैठ जहां भी बेचारे जा रहे हैं, मुझे उनसे सहानुभूत है, जहां भी जा रहे हैं, कहीं मंच पर मारे जा रहे हैं, कहीं गाँव में मारे जा रहे हैं, दूसरे कीमत नहीं हो रही है। फूट डालो, राज करो, मैं उस आपका कार्यक्रम कर रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।